हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे और आपको आज का टाइटल देखकर समझ में आ ही गया है कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे पार्सल्स मैंने मीशो से मंगाए, बिकॉज आप लोगों को ना मेरे मीशो के सूट सेट हॉल बहुत ज्यादा पसंद है, तो सोचा चलो इस बार वही बनाते हैं। तो टोटल 15 मैंने सूट सेट्स इसमें मंगाए हैं और सारे के सारे ना बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है, बिकॉज सारे ही अंडर 500 रुपीज है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी ना मैंने कोई भी पार्सल ओपन नहीं किया, आप देख सकते हो सारे ही पैकेज ऐसे आपको मिलेंगे। तो एक दो है जो मैंने अभी ओपन करके देख ली थी, बिकॉज मेरे को उसमें डाउट था। तो फर्स्ट पार्सल हम ये वाला ओपन करने वाले हैं और इसका जो प्राइस है वो है 519 रुपीज, एंड इसमें मैंने ऑर्डर किया स्मॉल साइज। ये इस हॉल का सबसे महंगा पार्सल होने वाला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अंडर 500 है, बट ये 519 रुपये का है। मुझे काफी अच्छा लगा और ट्रेंडी भी था, तो मैंने इस वजह से इसको ऑर्डर किया। सो लेट्स सी कि ये हमें रिसीव कैसा हुआ है। तो इस वाले कुर्ते में ना आपको 3 कलर मिल जाएंगे, थोड़े डार्क शेड में थे, तो देखते हैं इसकी क्वालिटी हमें एक्चुअल में कैसी रिसीव हुई है। तो इसमें ना आपको एक कुर्ता मिलता है कुछ इस तरीके का, पैटर्न इस कुर्ते पे आपको मिल जाएगा। प्रॉपर मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का आपको ना योकेरे पे वर्क मिल जाएगा, स्लीवलेस पैटर्न मिलता है। कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, मस्टर्ड येलो आपको इसमें कलर मिल जाएगा कुर्ते में, ठीक है। और इसमें ना कोई स्लीव्स आई थिंक अटैच करके नहीं दी गई है, इसमें कोई स्लीव्स नहीं है और फैब्रिक है इसका कॉटन। साथ में इसके पैंट्स आई है, तो मैं पैंट्स आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके की पैंट्स मिलेगी, फुल्ली इलास्टिकेटेड आपको पैंट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको सॉलिड पैंट मिल रही है, कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक लगा, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन का फैब्रिक है, और कलर प्रिंट वगैरह भी ना मुझे सिमिलर रिसीव हुआ है। फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कुर्ता सेट ये है, जैसा आप देख सकते हो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, पहनने में भी ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको ये फैब्रिक मिल जाता है। सबसे अच्छी मेरे को इसकी फिटिंग लगी, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज्यादा लूज नहीं है, मुझे इस समर सीजन के लिए काफी अच्छी लगी। तो आप देख सकते हो प्रॉपर ना कुछ इस तरीके से आपको ये लुक देगा। पैंट भी बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये पहनने में, क्रॉच एरिया से भी काफी अच्छी फिटिंग उन्होंने दे रखी है। यहाँ पे छोटी सी ना कटआउट डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो बॉटम एयर पे, अनबॉक्सिंग में नहीं दिखी थी। तो प्रॉपर लुक इसका कुछ इस तरीके से आने वाला है, फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड बैक से ये ना आपको कुछ प्लेन मिलेगा, कोई भी पैटर्न यहाँ पर नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे वर्थ इट लगा है, बट आई गेस इसमें दुपट्टा होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। वैसे सब ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव दिस कुर्ता सेट, और इसमें भी ना कॉट सेट है, इसमें कोई दुपट्टा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने जितने भी अभी आपको मतलब मंगाए हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, किसी में अनारकली है और किसी में दुपट्टा है, किसी में दुपट्टा नहीं भी मिलेगा, ठीक है। इसमें मैंने जो साइज मंगाया है वो एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है और ये 450 रुपये के आसपास मेरे को पड़ा था। इसमें कलर आपको 2 मिल जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो इसको देखते हैं हम किस तरीके का मेरे को रिसीव हुआ है। सो पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी खासी अब मीशो वाले दे देते हैं, और सबसे अच्छी बात ये ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग आपको मिलती है, तो खरीदते टाइम आपको डाउट नहीं होता कि आपको क्या डिलीवर्ड होने वाला है। तो कुर्ता कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये ना बहुत टाइम से मीशो पे, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है इसका, ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क इन्होंने दे रखा है। तो कुछ इस तरीके का आपको कुर्ता मिल जाएगा, बहुत अच्छी सी फिनिशिंग दे रखी है इन्होंने नेक पर, ठीक है। सॉलिड कुर्ता आपको मिलता है इसमें, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ में इसके पैंट आई है जो कि आप देख सकते हो फुल्ली इलास्टिकेटेड है और सॉलिड पैंट्स है इसमें। यहाँ पर ना नीचे में आपको इसमें थोड़ी कटआउट डिटेलिंग भी मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छी लगी। फिटिंग वगैरह अभी फटाफट से इसका ट्राई ऑन करते हैं एंड उसमें देखते हैं ये पहनने में कैसा लगेगा और इसका फाइनल लुक क्या है। ओके, सो ये कुर्ता सेट भी ना मुझे पहनने के बाद बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, जैसे कि आप इसका ही पूरी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो, काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन इन्होंने वर्क किया हुआ है। और सबसे प्यारा मुझे इसका कलर लग रहा है, इसमें ना आपको बेसिक कलर मिलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। और अगर मैं इसकी फिटिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फिट ये मेरे को हो गया, मैंने कोई भी क्लिप ऑन इसमें नहीं किया है। पोनी लेंथ की आपको स्लीव्स मिल जाती है, फैब्रिक पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है, रेयन का फैब्रिक मिलता है। पैंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है, पैंट के नीचे ना ऐसे कटआउट डिटेलिंग भी दे रखी है। और बट पैंट में आपको एक साइड पे ना पॉकेट भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो राइट हैंड साइड पे आपको पॉकेट मिलेगी, जिसकी जो डेप्थ है काफी ज्यादा अच्छी है। पैंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज ना सिगरेट स्टाइल में इन्होंने पैंट दे रखी है और पहनने में काफी कंफर्टेबल है। एंड बैठ के मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हो ये ना बिल्कुल फिटिंग वाली पैंट इन्होंने बना रखी है, तो आप में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि लूज लो आपको टाइट आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एक्चुअल मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको खरीदोगे ना तो काफी अच्छी फिटिंग आएगी, तो मुझे ये तो 10/10 लगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, सो थर्ड अगेन एक कुर्ता सेट है, इसमें आएगा दुपट्टा भी होने वाला है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगाया जो भी वहां पे सबसे छोटा था, प्राइस इसका 450 के आसपास ही है, कुछ भी 500 तक भी नहीं है, बस एक ही कुर्ता था जो 500 से महंगा था। इसकी क्वालिटी देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट है या नहीं। सो ये कुर्ता ना कुछ यार ये ना कपड़ा थोड़ा सा सील रहा है, लाइक तब बारिश वगैरह का सीजन होता है तो शायद ऐसे कपड़े हो जाते होंगे, थोड़ा गीला हो रहा है ये, ठीक है।
तो कुर्ता ना कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, येलो कलर में, और यहाँ पे ना ऐसे कुछ अलग से इन्होंने बॉर्डर यहाँ पे लगाया हुआ है कुछ फैब्रिक, सेम आपको यहाँ पे भी पैटर्न मिल जाएगा, और जिसका फैब्रिक है वो ना कॉटन है, ठीक है। साथ में इसके पैंट्स आई है, और इसकी जो पैंट्स की इलास्टिक है वो काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं काफी अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी दे रखी है इन्होंने अकॉर्डिंग टू प्राइस। एंड इसमें आई गेस पॉकेट नहीं है, सो इसके साथ ना आपको जो पैंट मिल रही है उसमें नीचे सेम आपको बॉर्डर मिल जाएगा, सिगरेट स्टाइल में आपको ये पैंट्स मिल रही है। साथ में दुपट्टा है जिसका जो कलर कंट्रास्ट है बहुत अच्छा लग रहा है येलो के साथ पिंक, तो आप ये देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको दुपट्टा मिल जाएगा, और काफी प्रिटी कलर इन्होंने दे रखा है। लेंथ विड्थ मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इसकी, बाकी ट्राई ऑन करते हैं इसका, ट्राई ऑन में इसका फाइनल लुक देख। ओके सो ये नेक्स्ट कुर्ता ना बहुत ज्यादा प्यारा है, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा अच्छा मेरे को आ जाएगा। पूरे पे ना आपको ऐसा बॉर्डर वर्क मिल जाएगा जो अलग फैब्रिक का इन्होंने लगा रखा है, फैब्रिक पहनने में कंफर्टेबल है, कॉटन का आपको फैब्रिक मिल जाता है, पोनी लेंथ की आपको इसमें स्लीव्स मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा लूज इन्होंने नहीं दे रखी है। फिटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, ये आपको परफेक्ट फिट होने वाला है, जो मेजरमेंट इन्होंने दे रखी है ना उसी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आपको भेजने वाला है। तो मेरा थोड़ा सा टमी बाहर आ गया, इस वजह से मेरे को ना ऐसे थोड़ा से टाइट हो रहा है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी फिटिंग के साथ इन्होंने भेजा है। अगर मैं बात करूँ दुपट्टे की, तो आप देख सकते हैं दुपट्टे की लेंथ और विड्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, 450 के आसपास आएगा, बहुत अच्छा है। पैंट मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखो पैंट की लेंथ आपको कुछ ना इस तरीके की मिलेगी, नीचे बॉर्डर भी मिल रहा है। मेरी हाइट 5 फीट है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को बहुत अच्छे से फिट हो गया। बैठ के मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आइडिया हो जाए कि क्रॉच एरिया कैसा रहेगा, बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ना इरिटेट नहीं कर रहा है, टाइट नहीं है आपका क्रॉस एरिया, तो काफी सही लग रहा है। मेरे को लग रहा है ये फेस्टिवल के लिए भी अच्छा है, अभी जैसे जन्माष्टमी वगैरह आ रही है तो आप ना इसे उस पर भी वियर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक देगा आपको, एंड बैक लुक कुछ इस तरीके का मिलेगा, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके सो नेक्स्ट मैंने एक और कुर्ता सेट मंगाया, और इसमें मैंने ऑर्डर किया है स्मॉल साइज, प्राइस इसका अंडर 500 ही है। मैं यार प्राइस आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ, आपको प्राइस ना यहाँ स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा जो भी प्राइस होगा, और इमेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये वाला कुर्ता ना मैंने फ्लिपकार्ट और अजियो के हॉल में मंगाया था, जिसने भी वो वीडियो देखी उसको पता होगा, तो सोचा चलो मीशो से भी मंगा के देखते हैं ये कैसा आने वाला है। और वो मैंने ना अप्रॉक्स 800 मंगाया था और ये मेरे को अंडर 500 मिला है, लेट सी इसकी क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग कैसी है कंपेरिजन में। सो फर्स्ट इसमें ये पूरा सेट आने वाला है प्रॉपर, आपको मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का आपको इसमें ना कुर्ता मिलेगा। टाई एंड डाई का पैटर्न बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे ना आपको जरी वर्क के साथ सिक्वेंस का वर्क दे रखा है तो काफी सही लगा। ये कुर्ता भी थोड़ा सा गीला हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं ये कुर्ते। और यहाँ पे ना आपको गोटल इसकी डिटेलिंग भी मिल जाएगी इसकी स्लीव्स के बॉटम पे। साथ में इसके पैंट्स आई है और जो रेयन फैब्रिक में इलास्टिक दोनों साइड है और बहुत अच्छी इलास्टिक है, बहुत टाइट है। आपको कुछ इस तरीके की पैंट मिल जाएगी, थोड़ी सिगरेट स्टाइल में, थोड़ा लूज रहने वाला है, ठीक है। साथ में दुपट्टा आया है जो कि कॉटन का फैब्रिक है, लाइक खादी कॉटन कहते हैं शायद उसको, उस तरीके का है, तो इसकी लेंथ विड्थ मेरे को काफी अच्छी लग रही है। और इसमें ना आपको दुपट्टे पे यहाँ पे लेस भी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ एग्जैक्ट आया या नहीं तो इन सब चीजों को देखू ना, तो मेरे को तो वर्थ इट लगा है। बाकी इसका ट्राई ऑन करते हैं इसका फाइनल लुक देख। क्योंकि अगर मैं इस कुर्ता सेट की बात करूँ ना, तो प्रॉपर आपको 3 पीस सेट ये मिलने वाला है। और ये जो इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दे रखी है ना जरी वर्क, वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन इन्होंने कर रखा है, फिनिश वर्क आपको मिल जाएगा। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो टाई एंड डाई का आपको पैटर्न मिलेगा और कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है, थोड़ा ना ऑफ व्हाइट सॉर्ट ऑफ कलर है ये। तो इसमें यहाँ पे आपको स्लीव्स में ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है जो ऐसे नहीं कि समोसा लेस चुभ रही है, काफी कंफर्टेबल है, कुछ इस तरीके की आपको स्लीव्स की फिटिंग मिल जाएगी। अगर मैं कुर्ते की फिटिंग की बात करूँ ना, बहुत ज्यादा टाइट नहीं और बहुत ज्यादा लूज नहीं, मुझे तो काफी सही लगा, मेरे को थोड़े ढिल्ले डाले ही अच्छे लगते हैं। पैंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो पैंट काफी लूज है बट इसकी ना लेंथ बहुत कम आई है। मैंने इसको इस टाइम यहाँ से वियर किया हुआ है इस साइड से और आप देख सकते हो इसकी एंकल लेंथ तक है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है ना तो हो सकता है आपको पैंट बहुत ज्यादा छोटी है। दुपट्टे की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो मैंने वेयर किया हुआ इसको कुछ इस तरीके की ना, आपको दुपट्टे की लेंथ मिल जाएगी 2 मीटर के अप्रॉक्स आपको लेंथ मिल जाती है। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आपको इसका दिखने वाला है, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है ये पहनने में और बैक से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस है वर्थ इट है, फ्लिपकार्ट मैंने इसे इतना महंगा मंगाया था बट ये टैन ऑन टैन है। मैं आपको दिखा दी अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके सो नेक्स्ट है ये वाला कुर्ता और इसमें मैंने ना स्मॉल साइज ऑर्डर किया है, प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं है, कलर मरून है, देखते हैं हमें कैसा ये रिसीव हुआ है। आजकल ना वैसे मीशो में बहुत ज्यादा ट्रेंडी ट्रेंडी कॉटन के सूट मिल रहे हैं तो मेरे को तो काफी अच्छा लगा, सोचो एक और कॉटन का हॉल बना लूं मैं सूट सेट का मीशो से। अगर आपको देखना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वैसे वीडियो बना लूंगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कुर्ता हमें कैसा रिसीव हुआ है। तो ये कुर्ता भी बहुत ज्यादा गीला हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग गीला क्यों भेज रहे हैं। चलो एनीवे हम फोकस करते हैं अपने रिव्यू पे। तो कुछ इस तरीके का ना आपको कुर्ता मिलेगा, बहुत अच्छा मेरे को ना इसका प्रिंट लग रहा है, कॉटन का आपको फैब्रिक मिल जाता है
और इसमें कुछ इस तरीके का प्रिंट आपको मिलेगा। यो के लिए पे ना आपको प्रिंटेड ही वर्क मिल रहा है। यहाँ पे आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी। फैब्रिक मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा, थोड़ा ना ऐसे खड़खड़ वाला जो फैब्रिक है वैसा है, बट आप इसे एक बार वॉश कर लोगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा ये। साथ में इसके पैंट है ये सेम फैब्रिक में है, बट थोड़ा सा ना प्रिंट का इसमें डिफरेंस आपको मिल जाएगा। इलास्टिक की अगर मैं बात करूँ तो इलास्टिक की क्वालिटी एवरेज है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। साथ में दुपट्टा है जो कॉटन का है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का है। पूरे दुपट्टे में ना आपको ऐसा प्रिंट दे रखा है इन्होंने, ये लीफ का प्रिंट जो दे रखा है ऐसे इस टाइप वाला। चौड़ाई बहुत अच्छी है, आई गेस लंबाई भी इसकी 2 मीटर तक तो होगी, तो क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। सबसे बेस्ट बात ये कॉटन का आपको मिल रहा है और कलर बहुत ज्यादा प्रीटी है। चलो फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं। ओके, सो ये कुर्ता अभी ना यार पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बढ़िया लग रहा है। अगर मैं इस कुर्ते की प्रिंट की बात करूँ ना तो बहुत ही छोटा छोटा आपको प्रिंट मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो, बट काफी ज्यादा ना फिनिशिंग के साथ, वरना प्रिंट का क्या था कलर ये लोग फैला देते हैं तब इसमें डाई वगैरह करते हैं, तो ये तो काफी अच्छा है। अगर मैं इसकी कंफर्टेबल कितना है ये फैब्रिक उसकी बात करूँ तो बहुत कंफर्टेबल है। पहली बात तो ये कॉटन है तो कंफर्टेबल रहेगा। अगर मैं बात करूँ इसकी स्लीव्स की तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ना आपको लूज मिल रहा है मार्जिन, अगर आपको टाइट करना है तो आप इसे टाइट भी कर सकते हो, बट आई गेस इतनी फिटिंग काफी अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी ज्यादा अच्छी फिटिंग आज मीशो ने दे कैसी दी मुझे। अगर मैं पैंट की बात करूँ ना तो आपको कुछ पैंट इस तरीके की मिलेगी, आप देख सकते हो इसकी लेंथ सही है, ज्यादा भी नहीं है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, मेरे हिसाब से सही है। मेरी हाइट है 5 फीट, बट इसमें कोई ना पॉकेट आपको नहीं मिल रही है। बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप देखो मैं बहुत अच्छे से इसमें बैठ भी पा रही हूँ, इसमें ना पैर भी आपके बहुत आराम से खुल जाएंगे। दुपट्टे की लेंथ और विड्थ मेरे को बहुत ज्यादा प्रिटी लगी, आप इसको अगर ब्लैक कलर के सॉलिड कुर्ते पे भी पहनोगे ना काफी अच्छा जाएगा ये दुपट्टा, तो प्रॉपर लुक जिस तरीके का दिखेगा फ्रंट से। और यह है इसका बैक लुक, अकॉर्डिंग टू प्राइस है वर्थ इट, मतलब बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। यार अभी तक का होना काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है, इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छा मेरे को आ जाएगा, बट सब अच्छा अच्छा जा रहा है, आगे भी आई होप अच्छे ही आए हो। इसमें मैंने ऑर्डर किया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज और प्राइस यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा कहीं पर, ठीक है। इसको फटाफट से देखते हैं ये हमें एज अ क्वालिटी ऐसा रिसीव हुआ है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है या नहीं। तो ये वाला कुर्ता भी ना कॉटन में मैंने मंगाया है, सो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजोन अजियो वगैरह से मंगाया था एक बार, तो अभी हम मीशो से मंगाया है इसको, तो देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी आने वाली है। तो देखो कुर्ता ना आपको मेहंदी ग्रीन कलर में मिलेगा और कुछ इस तरीके से ना इन्होंने नेक की डिटेलिंग मतलब शेप दे रखी है और पीछे से राउंड नेक दे रखा है, ठीक है। स्लीवलेस पैटर्न है और इसमें पता नहीं स्लीव्स अटैच की गई हैं या नहीं, सो पहले मैं चेक कर लेती हूँ वरना आप लोग पूछते हो कमेंट में। इसमें कोई स्लीव्स आपको नहीं मिलेगी। बैक पे ना आपको ऐसे डोरी भी मिल रखी है बांधने के लिए, तो पूरा प्रिंटेड आपको कुर्ता मिलने वाला है, कॉटन का आपको फैब्रिक मिल जाता है। साथ में सेम ही आपको पैंट मिलेगी जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इलास्टिक की, और कुछ इस तरीके की आपको पैंट मिल जाएगी सिगरेट स्टाइल में। एंड साथ में इसका कॉटन का आपको दुपट्टा मिलता है जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। इसकी लेंथ विड्थ मेरे को ना खोलते ही पता चल गई, ये देखो इतनी अच्छी खासी आपको इसमें विड्थ मिल जाती है, ये थोड़ा सा ना अटैच होगा धागा इसमें काट लेते हैं, कुछ इस तरीके की आपको इसमें विड्थ मिल जाती है। यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्राइस के हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ना थोड़ा सा डार्क कलर है, मेरे को लगता है कभी कभी डार्क कलर भी पहन लेना चाहिए। अब फटाफट से ना इसका ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देख। ओके, अगर मैं इस कुर्ते सेट की बात करूँ ना सच में ये इतना अच्छा है कि आपको यकीन नहीं होगा, पहनने में भी बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है। नेक डिटेलिंग मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, आपको देखो कुछ ना प्रॉपर कुछ इस तरीके की शेप आपको मिल रही है, मिलने वाली है। और अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, हल्की सी ना वेस्ट लाइन से लूज है, बताइएगा इतना चल जाएगा, या फिर आपको फिटिंग करनी है तो आप करवा सकते हो। अगर मैं पैंट की बात करूँ ना तो आपको सेम पैंट मिल जाएगी और इसमें ना आपको पॉकेट नहीं मिलेगी, बैठने में भी पैंट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप ये देख सकते हो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ये कुर्ता, मेरे को बहुत प्रीटी लगा। बैक से कुछ इस तरीके ना आपको थोड़ा नेक जो है वो डीप मिल जाएगा और बांधने के लिए ना डोरी भी दे रखी है, तो काफी सही लग रहा है यार। अगर आपको स्लीवलेस पैटर्न चाहिए, बट इसमें ना आपको कोई भी बाजू इसमें अटैच करके नहीं दी गई है, मैं आपको ना इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा कुछ इस तरीके का मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लेंथ और विड्थ किस तरीके की, प्रॉपर लुक आप देख ही रहे हो। अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट लगा, बहुत अच्छा है। अगर आपको ये 500 के पार भी मिलता है ना तो मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस कुर्ते के लिए, ठीक है। तो आपको फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से मिलने वाला है इसका प्रॉपर, ठीक है। मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ, बैक से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, टैन ऑन टैन है मेरी तरफ से। अब मैं आपको दिखा दी अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास ना ये वाला कुर्ता सेट है और इसमें मैंने स्मॉल साइज मंगाया है। मुझे सच में नहीं पता मेरे को क्या इसमें डिलीवर हुआ है, क्या रिसीव मैंने किया है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए। रेड मैंने कुछ मंगाया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ओके ठीक है, मेरे को याद आ गया, मैंने ना इसमें एक अनारकली सूट मंगाया था और जो आई गेस 350 के आसपास मैंने मंगाया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको, यार ये सच में ना बहुत ज्यादा गीले लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस पानी से निकाला सुखा के मेरे को पैक करके भेज दिया,
बहुत गंदा लग रहा है गीले गीले कुर्ते। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ इसका कुर्ता किस तरीके का। इसका साइज बहुत बड़ा है भाई साहब, ये देखो अनारकली पैटर्न है और ना हॉट रेड जो कलर होता है ना बिल्कुल वैसा वाला है। कुछ इस तरीके का आपको नेक की डिटेलिंग मिल जाएगी, समोसा लेस का यहाँ पे वर्क कर रखा है। पोनी लेंथ की आपको इसमें स्लीव्स मिल रही है जिसमें समोसा लेस है। घेरा मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ 3 मीटर के अप्रॉक्स आपको ना इसमें घेरा मिल जाता है। रेयन का फैब्रिक है। बैक साइड पे आपको टैसल्स बहुत प्यारी आपको मिल गए हैं, ये देखो ये टैसल्स इन्होंने लगा कर दे रखे हैं। और जिसका नेक है ना वो बहुत डीप मिलने वाला है। इसमें साइज मेरे को मीडियम आया है और यहाँ पे भी मेंशन है, बट यहाँ पे स्मॉल साइज मेंशन है, मुझे मीडियम भेजा। आई डोंट नो मीशो वाले ऐसा क्यों करते हैं, सॉरी मीशो वाले नहीं सेलर ऐसे क्यों करते हैं। साथ में टाई एंड डाई का दुपट्टा भी आया है तो ठीक लग रहा है, बट बाकी इसका ना ट्राई ऑन करते हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे को बहुत ज्यादा लूज आने वाला है। फिर भी मैं आपको ना इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखो यार इस कुर्ते में ना बताने के लिए वैसे तो कुछ खास नहीं है, बट फिर भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी नेक डिटेलिंग। तो पहनने के बाद कुछ ना इस तरीके की फिनिशिंग आएगी और इसमें कुछ ऐसा इन्होंने नेक दे रखा है वी शेप में। और स्लीव्स का पैटर्न भी आपको सेम मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा था मेरे को मीडियम साइज रिसीव हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा लूज है, कुछ इस टाइप से मेरे को आने वाला है। बट मैंने ना इसमें क्लिप ऑन नहीं किया सो दैट आपको एक्चुअली इसकी फिटिंग पता चल जाए कि मेरे को क्या इन्होंने भेजा है। फिटिंग करके ये कुछ इस तरीके का लगेगा, काफी प्यारा सा ये लग रहा है, ठीक है। तो इसमें घेरा मेरे को काफी अच्छा लगा, आप ये देख सकते हो कुछ इतना इसमें ना घेरा आपको मिलने वाला है। पैंट्स इसके साथ रिसीव नहीं होगी, मैंने पहले वाले की पहन रखी है। दुपट्टे की लेंथ थोड़ी छोटी है, 2 मीटर के अराउंड आपको ये दुपट्टा मिल रहा है। आई थिंक 300 रुपए के हिसाब से तो मेरे को ठीक लग रहा है, फिटिंग अगर आप करवा लो तो ठीक है, और अगर आप मीडियम साइज पहनते तो आपको फिट हो ही जाएगा। बाकी मैं आपको अपना नेक्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ। ओके सो नेक्स्ट पार्सल है मेरे पास ये वाला। ये मैंने ऑलरेडी ना ओपन कर लिया है, इसको देख लिया था। सो इसमें मैंने साइज एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है और प्राइस यहाँ कहाँ कहीं पे मेंशन हो जाएगा। कुर्ता मैं आपको दिखाती हूँ कुछ किस तरीके का मेरे को रिसीव हुआ है। सो सिल्क के फैब्रिक में ना आपको ये कुर्ता मिलेगा, कुछ इस तरीके का इसका डिटेलिंग है। आप ये देखो कुछ इस तरीके में कलर आपको मिल रहा है, यहाँ पे ना सिल्वर गोटलेस कहते हैं उस तरीके की यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है। बैक साइड पे आपको टैसल्स दे रखी है बांधने के लिए और कुछ भी इसमें डिटेलिंग नहीं दे रखी है। ये फुल स्लीव्स आपको कुर्ता मिलेगा, ठीक है। साथ में पैंट्स है, फुल्ली इलास्टिकेटेड आपको इसकी वेस्ट लाइन मिल जाएगी और सिगरेट स्टाइल में आपको ये पैंट मिलने वाली है। सेम फैब्रिक आपको मिलेगा, साइड में है इसके कटआउट डिटेलिंग और साथ में इसके नेट का दुपट्टा आएगा जिसमें पूरे पे ना आपको समोसा लेस मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। इसकी विड्थ कम है बट आई गेस लेंथ मेरे को लग रही है कि 2 मीटर से ज्यादा की होगी। बाकी ठीक है, फटाफट से इसका ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। सो अगर मैं कुर्ते की बात करूँ ना तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इसमें कलर मिलेगा। फिटिंग में आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी सी ना वेस्ट लाइन से लूज है, तब की मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगाया, फिर भी ये काफी ज्यादा लूज है फिटिंग में और ना थोड़ी सी वियर्ड शेप है इसकी यहाँ से। बट अगर आप इसको फिट करवा लोगे ना तो बहुत अच्छे से आएगा। स्लीव्स की फिटिंग बताती हूँ, स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो फिटिंग काफी प्यारी लगी मेरे को। पैंट की अगर मैं बात करूँ तो बैठ के आपको दिखा देती हूँ, पैंट बहुत अच्छी है, क्रॉच एरिया काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रहा है। दुपट्टे की लेंथ सही है जैसे मैंने आपको बोला था, विड्थ भी ठीक है, ज्यादा नहीं है बट ठीक है, और कुछ इस तरीके की लेंथ मिल जाएगी। फ्रंट से कुछ इस तरीके से इसका लुक दिखेगा एंड बैक से ये कुर्ता कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मेरे को लग रहा है इस फेस्टिव सीजन के लिए काफी अच्छा, अगर आपको बहुत ही सिंपल और लाइट वेट सा पहनना है तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउट। ओके सर, नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला कुर्ता और ये 369 का है। स्मॉल साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया है, प्राइस यहीं कहीं मैंशन हो रहा होगा आपको, ठीक है। इसको फटाफट से देखते हैं ये कैसा हमें रिसीव हुआ है। सबसे प्रिटी मेरे को ना इसका कलर लग रहा था, बहुत ही हल्का सा कलर है और प्रिंट दे रखा है इस व्हाइट कलर के कुर्ते पे। तो कुछ इस तरीके का ना आपको ये कुर्ता मिलेगा, ये भी हल्का सा सील रहा है कपड़ा, तो ये अनारकली पैटर्न में आपको मिल रहा है और अंगरखा स्टाइल है। आप ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप साइड पे कुछ इस तरीके से पैटर्न जा रहा है। प्रिंट मुझे सच में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है इसका और यहाँ पे ना आपको टैसल्स भी दे रखी है 2, यार काफी प्रिटी लग रहा है। और साथ में इसके बस दुपट्टा आया है, इसके साथ में पैंट भी आएगी, मुझे लग रहा है पैंट भी आएगी। दुपट्टा काफी अच्छा है, कॉटन का फैब्रिक है, सेम दुपट्टा मिलेगा आपको प्रिंट जो इन्होंने दे रखा है। इसकी मैं लेंथ विड्थ आपको दिखा देती हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके की ना आपको विड्थ मिलेगी, विड्थ काफी अच्छी है, लेंथ मुझे लग रहा है 2 मीटर के आसपास होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। बट दुपट्टा ना बहुत ज्यादा शेयर है, मतलब बहुत ज्यादा पतला है, शेयर तो मैं क्या ही बोलूँ, वैसे सही लग रहा है। बाकी इसका ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। ओके सो ये कुर्ते में ना आपको कुछ इस तरीके का नेक मिलेगा, सिल्वर लेस के ना आपको डिटेलिंग मिल जाएगी बहुत ही प्यारी सी, और ये अंगरखा पैटर्न में तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेलिंग मिलेगी। टाई करने के लिए ना यहाँ पे टैसल्स हैं, यहाँ पे मैं इसकी आपको दिखाती हूँ फ्लेयर कितना मिलेगा। तो कुछ इतना आपको फ्लेयर इसमें मिल जाएगा, कपड़ा थोड़ा सा इसका ना सी थ्रू है और कोई लाइनिंग इसमें नहीं लगा रखी है। ऑफकोर्स ये कॉटन का फैब्रिक है तो लाइनिंग तो आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्लीव्स,
आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके की आपको ना स्लीव्स मिल जाएगी विद गोटा लेस। तो क्वालिटी काफी अच्छी लगी, बट थोड़ा सा ना ये सी थ्रू है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दुपट्टे की लेंथ और विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके का आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे वर्थ इट लगा, बट इसके साथ ना आपको बॉटम वेयर नहीं मिलेगी, तो आप इसके साथ रेड या व्हाइट पेयर कर सकते हो। फ्रंट से प्रॉपर कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। मेरे को फिटिंग वाइज थोड़ा सा लूज है, बट फिर भी मैंने क्लिप ऑन नहीं किया क्योंकि मैं आपको एक्चुअल इसका फिट दिखाने चाह रही थी। बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, मेरे को तो काफी सही लगा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बट थोड़ा सा गीला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, तो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला कुर्ता सेट, और इसमें मैंने ऑर्डर किया है स्मॉल साइज, कलर है इसका ब्लू, और इस प्रिंट को देख के मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा कुछ मंगाया भी है, खोलने के बाद ही समझ में आएगा। तो कुछ पैकेजिंग काफी अच्छी की है इसकी। सो सबसे पहले हमारे को इसमें रिसीव होता है एक प्यारा सा कॉटन का कुर्ता। ओह माय गॉड, देखो कितना अच्छा प्रिंट है इसमें ना, जो मोर के पंख जैसा ना कुछ इन्होंने प्रिंट बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मोनोक्रोमेटिक कलर ले रखे हैं, ब्लू की सारी शेड्स हैं। नीचे में ना आपको ऐसे बॉर्डर लगा के दे रखा है। फैब्रिक इसका सच में यार कितना प्यारा है, कॉटन का फैब्रिक और थोड़ा ना थिक है ये फैब्रिक, तो सी थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ में इसके आई है पैंट्स जो आप देख सकते हो, इलास्टिक इसमें दोनों साइड पे दे रखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है यार ये। और साथ में ना आपको कुछ इस तरीके की पैंट्स मिल रही है, नैरो पैंट्स है, सिगरेट पैंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहनने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे ना आपको और लेस भी दे रखी है। दुपट्टा इसमें भी आया है एक कॉटन का, जो कि विड्थ वाइज काफी अच्छा होने वाला है। ये देखो कुछ इस तरीके की आपको इसमें विड्थ मिल जाती है, लेंथ भी इसकी 2 मीटर से ज्यादा है। बहुत अच्छा लगा यार ये, इसको ना मतलब क्वालिटी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी है। फटाफट से इसका ट्राई ऑन करते हैं। यार ये कुर्ता जैसे दिखने में लगा था ना, वैसे ही पहनने में भी बहुत बढ़िया, काफी कंफर्टेबल है, फैब्रिक काफी सही लगा मेरे को। कुछ इस तरीके की ना आपको स्लीव्स की फिटिंग मिल जाएगी। फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो इतनी प्यारी सी आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग मिल जाती है। पैंट्स में आपको दिखाती हूँ, पैंट काफी कंफर्टेबल है, नीचे ना ऐसे कटआउट डिटेलिंग भी दे रखी है, थोड़ी सी ना नीचे ऐसे बिल्कुल सिगरेट टाइप है, बहुत ज्यादा पतली सी, तो मेरे को तो काफी सही लगी, बिल्कुल भी चुभ नहीं रही है और बैठने में भी बहुत अच्छी है। ठीक है, दुपट्टे की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो काफी अच्छी लेंथ और विड्थ मिल जाती है, प्रॉपर आपको फुल साइज का इसमें दुपट्टा दे रखा है। फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरीके का दिखेगा प्रॉपर अगर आप देखोगे कुर्ता। बैक से ना ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट है सच में, आप इसे तो ले ही सकते हो अगर आपको किसी और में डाउट है तो, इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, काफी अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास ये वाला कुर्ता सेट है, और साइज में मैंने स्मॉल मंगाया है, प्राइस आपको यहाँ का ही मिल जाएगा। इसको फटाफट से ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसका कैसा लुक हमें रिसीव हुआ है, एक्चुअली में इसकी कैसी क्वालिटी हमें मिली है। तो कलर मेरे को बहुत ज्यादा फिटी लगा, आपको मेहंदी ग्रीन या नियॉन ग्रीन आप इसको कह सकते हो। तो कुछ इस तरीके का ना, ओह माय गॉड, इसका कुछ इस तरीके से ना आपको कुर्ता मिल जाएगा। ये देखो आपको बहुत ही प्यारा सा ना यहाँ पे योग एरिया पे वर्क दे रखा है, और यहाँ पे समोसा लेस की डिटेलिंग दे रखी है। ठीक है, फैब्रिक काफी अच्छा है, मेरे को कॉटन लग रहा है, मिक्स सा लग रहा है मेरे को, मतलब पूरा ना श्योर नहीं हूं मैं फैब्रिक को लेके इसको, तो मैं अभी देख के बता दूंगी या फिर लिख दूंगी वहां पर। ठीक है, स्क्रीन पे इलास्टिक की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज क्वालिटी है, 2-3 बार में हो सकता है लूज हो रहा है। साथ में इसके पॉकेट आई है, ये बहुत अच्छी बात है, बट इसकी ना जो डेप्थ है बहुत कम है। इसमें आईफोन तो आ जाएगा, बट बड़े वाले और फोन जो होते हैं वो साइज में नहीं आएंगे इसमें। कुछ इस तरीके का ना आपको प्लाजो स्टाइल में पैंट मिलेगा, थोड़ा लूज है। कंट्रास्ट में आपको दुपट्टा मिला है, कॉटन का फैब्रिक है, और इस सच में बहुत ज्यादा गीला हो रहा है, पता नहीं क्यों। कलर मेरे को बहुत प्रीटी लगा और डिजाइन पैटर्न भी सेम है। चलो फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैंने ना इसमें स्मॉल साइज ऑर्डर किया है बिकॉज छोटा साइज अवेलेबल नहीं था, तो ये मेरे को काफी ज्यादा लूज आ रहा है, आप देख सकते हो। ये हिप से भी मेरे को ना बहुत लूज है, और दूसरी बात ये इस कुर्ते की लेंथ आपको काफी ज्यादा मिलने वाली है, तो अगर आपकी बहुत ज्यादा लेंथ है ना, मतलब हाइट काफी अच्छी खासी है, तो ये काफी अच्छा आपको दिखने वाला है। आप ये देखो इसके जो यहाँ पे नेक पे एम्ब्रॉयडरी दे रखी है वो मेरे को स्पेशली बहुत ज्यादा प्यारी लगी। आप ये देखो इतना अच्छा से इन्होंने कलर कंट्रास्ट दे रखा है, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, पहनने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है, इरिटेट नहीं कर रहा, बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग साइज का जो इशू है वो चीज आपको दिख ही रही होगी, और मैंने इसमें क्लिप ऑन भी नहीं किया। दुपट्टे की लेंथ ज्यादा नहीं है, 2 मीटर के अप्रॉक्स आपको लेंथ मिल जाती है। मैंने कुछ इस तरीके से इसको स्टाइल किया हुआ है, मैं आपको ना शोल्डर पर डाल के दिखा देती हूँ, इससे आपको मेजर हो जाएगी इसकी लेंथ कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। पैंट्स की लेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर आपकी हाइट है 5'2" और 5'3" तो बहुत अच्छे से आपको फिट हो जाएगा, और क्रॉचेरी से भी ना काफी अच्छे से उन्होंने वर्क कर रखा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, तो ये भी मेरी तरफ से 10/10 लगा। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है, एंड बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, बहुत ही सिंपल सा है बट एलिगेंट लग रहा है काफी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके, सो नेक्स्ट आउटफिट है मेरे पास ये वाला, और इसमें मैंने अगेन स्मॉल साइज मंगाया है, तो लेट्स सी ये हमें कैसा रिसीव हुआ है।
इसमें मैंने ना एक अनारकली मंगाया, पूरा 3 पीस सेट है। सो ये ब्लैक कलर में है, जॉर्जेट का फैब्रिक है, जॉर्जेट नहीं है ये, मतलब फील मेरे को लग रहा था बट ये जॉर्जेट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का फैब्रिक है। प्रिंट मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हो फ्लावर प्रिंट के इसमें डिजाइन मिल जाएगा। फुल स्लीव्स आपको ये कुर्ता मिलता है, साथ में ना यहाँ पे प्लेटेड वर्क दे रखा है और कुछ इस तरीके का फ्लेयर मिल जाएगा, और इसमें लाइनिंग आपको अटैच करके नहीं दे रखी है, तो ऑब्वियसली ये जॉर्जेट का नहीं होगा, वरना सब आर पार दिख रहा होता। अभी इलास्टिक की बात करूँ तो बहुत लूज है, अगर आप 2-3 बार पहनोगे तो ये इलास्टिक खत्म हो जाएगी। आप ये देखो पूरी स्ट्रेच हो चुके हैं, इलास्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साथ में प्लाजो स्टाइल में आपको इसका पैंट मिल जाएगा, फैब्रिक काफी अच्छा है, जो भी है ना बहुत अच्छा फैब्रिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेम ही फैब्रिक में आपको इसमें ना इन्होंने दे रखा है दुपट्टा, जिसमें लेस लगा रखी है, मतलब बॉर्डर लगा रखा है, काफी सही लगा। कलर ऑप्शन आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, फटाफट से इसे ट्राई ऑन करते हैं। तो गाइस वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबी हो रही है क्योंकि काफी सारे आर्टिकल्स मैंने दिखा दिए हैं, तो मैं फटाफट से ना आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ, मेजर चीजें बता देती हूँ जो भी इसमें बताने के लिए। पहला है इसका फैब्रिक, तो फैब्रिक काफी कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में फैब्रिक आपको मिल जाता है। प्रॉपर लुक कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा, आप इसका ना प्रॉपर लुक देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा आपको किस तरीके का मिलेगा। फिटिंग का थोड़ा इशू है, मेरे को लूज आ रहा है, बट फिट करने के बाद काफी अच्छा सा आपको इसमें फ्लेयर मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से ना इसका प्रॉपर आपको लुक मिलने वाला है, काफी प्यारा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत अच्छा है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके सो नेक्स्ट मेरे पास ये वाला है, और इसमें भी ना मैंने स्मॉल नहीं मीडियम साइज मंगाया, क्योंकि इसमें स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था, सबसे छोटा मीडियम ही था। इसको देखते हैं फटाफट से ये हमें कैसा रिसीव हुआ है। तो पन्नियां पहले फाड़ते हैं, तो सबसे पहले मेरे को इसमें रिसीव हुआ है एक कुर्ता, तो आप ये देखो कुछ इस तरीके का कुर्ता मिल जाएगा, रेयॉन का फैब्रिक है, अनारकली स्टाइल में आपको ये कुर्ता मिल रहा है, और नीचे में ना आपको ऐसे लेस डिटेलिंग मिल जाएगी जो कि सेम ना आपको स्लीव्स में भी दी गई है, ठीक है। साथ में इसके पैंट सही है, बॉटम एयर बहुत प्लेन है, व्हाइट कलर की पैंट है, इलास्टिक की क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, और आपको ऐसे नैरो स्टाइल में आपको पैंट मिलेगी, पॉकेट इसमें नहीं मिलेगी, कॉटन का आपको अगेन फैब्रिक मिल रहा है, जिसमें कॉर्नर पे ना आपको ऐसे लेस लगाकर दे रखी है, आप देख सकते हो। लेंथ और विड्थ इसके काफी अच्छे होने वाले, बाकी मैंने इसको ट्राई ऑन करते हैं फटाफट इसका फाइनल लुक दिखाती हूं। ओके सो इस कुर्ते सेट का ना फैब्रिक काफी अच्छा है, पहनने में काफी कंफर्टेबल है, और कॉटन का फैब्रिक आपको मिल जाता है। फिटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, थोड़ी सी लूज है, देखो स्मॉल साइज है ऑब्वियसली मेरे को लूज होता है, बट अगर आप इसको फिटिंग करवा लोगे ना काफी अच्छे से आपको दिख जाएगा। प्रॉपर लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा, पैंट काफी सही है, पहनने में कंफर्टेबल है, और कुछ इस तरीके की लेंथ आपको पैंट में मिल जाती है, तो प्रॉपर लुक ना कुछ इस तरीके का आपको दिख जाएगा विद दुपट्टा। बैक से मैं आपको दिखाती हूँ, बैक से किस तरीके का दिखेगा, तो ऐसा दिखने वाला है, बहुत अच्छा है। अगर आपको मीडियम साइज में खरीदना है ना तो आप ये खरीद सकते हो, क्योंकि स्मॉल साइज इसमें अवेलेबल नहीं है, ये भी 10/10 है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके सर, अभी 2 लास्ट पार्सल्स बचे हैं, ये दोनों मैंने पहले अनबॉक्स कर लिए क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, इसमें भी मैंने ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगाया है, और ये ग्रीन कलर में है कुछ इस तरीके का, और ना ये सिंपल है जैसा मैंने अभी एक मंगाया था। इलास्टिक बहुत अच्छी है, साथ में इसके आपको पॉकेट भी मिल जाती है। ऐसी कुछ पैंट आएगी जिसमें ना आपको कटआउट डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है, फैब्रिक है इसका सिल्क, और साथ में आपको सेम ही पैटर्न में इसमें ना कुर्ता दे रखा है, तो आप ये देख सकते हो। कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक का जो टच है वो बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, और एग्जाम में आपको इसमें ना दुपट्टा मिल जाता है जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ऐसे फ्लावर प्रिंट का वर्क दे रखा है। चलो फटाफट से आप ट्राई ऑन करते हैं। तो इस कुर्ते का भी ना मटेरियल काफी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है, और फील भी नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, ये लाइट वेट आपको फैब्रिक मिल जाता है। पैंट की अगर मैं बात करूँ ना तो पैंट थोड़ी सी मेरे को टाइट आ रही है क्रॉच एरिया से, अगर बहुत ज्यादा हेल्थी हो, मतलब मुझसे ज्यादा हेल्थी और साइज एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाते तो हो सकता है थोड़ी टाइट है। नीचे में ऐसे आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, प्रॉपर लुक कुछ आपको इस तरीके का इसका दिख जाएगा विद दुपट्टा, तो आप देख सकते हो फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा, और बैक से ये कुछ ना इस तरीके का दिखेगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट लग रहा है, बट पैंट में थोड़ा सा डाउट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। ओके सो नेक्स्ट कुर्ता सेट है मेरे पास ये वाला, और इसमें अगेन मैंने स्मॉल साइज मंगाया है, ये मेरे को काफी ज्यादा प्रिटी लगा, मैंने अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट एडियो पे भी देखा है। तो इसका कलर है डार्क पर्पल आप कह सकते हो, और कुछ ना इस तरीके का आपको इसमें प्रिंट मिल जाएगा, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन का आपको फैब्रिक मिलता है, काफी सॉफ्ट है, कुछ इस तरीके का आपको इसमें ना बॉर्डर लगा रखा है अलग से फैब्रिक का, साथ में आपको प्लेन इसमें बॉटम वेयर मिल जाती है, कुछ इस तरीके की सिगरेट पैंट है, पैंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, और साथ में ना आपको एक साइड पे इसमें पैंट में पॉकेट भी थी, आई गेस शायद नहीं थी इसमें। ओके तो इसमें पैंट में आपको पॉकेट नहीं मिलेगी,
साथ में दुपट्टा है, दुपट्टे का फैब्रिक है इसका ऑरेंजा कुछ कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत ज्यादा ना ऐसे है कि आप सिर पे रखोगे तो ये सरक जाएगा, टिकेगा नहीं। चलो फटाफट से ना इसका ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये नेक्स्ट कुर्ता जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक काफी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रहा है, ब्रीथेबल भी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो काफी अच्छी आपको इसमें फिटिंग भी मिल जाती है। और पैंट की अगर बात करूँ ना, पैंट फैब्रिक बहुत अच्छा है, बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मुझे तो ओवरऑल काफी अच्छा लगा। फ्रंट से प्रॉपर कुछ ना आपको इस तरीके का लुक दिखेगा दुपट्टे के साथ, ये फ्रंट लुक है। बैक से मैं आपको दिखाती हूँ, बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, हर चीज इसकी जो है ना वो टॉप नॉच है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जितना भी मैंने कलेक्शन मंगाया था। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको नए नए हॉल देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना। वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ऐसी और वीडियोस लाती रहूं। अब मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।